हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ देखने को मिलेगा कैसे अपर्णा के लिए बहुत ही बड़ी कुर्बानी इमली देते नजर आएगी। दरअसल आदित्य को जेल हो जाने और 10 साल की उस पर प्रेस के मीडिया के द्वारा बैन लगाने की वजह से अपर्णा बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे अभी अभी अटैक आया था। ये बात इमली को अब बुरी तरह से परेशान करने वाली है। कहीं ना कहीं इमली के हाथ वो सबूत लग जाते हैं जो कि आदित्य को बेगुनाह साबित करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आर्यन उस पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाते नज़र आएगा और वो इल्ज़ाम यही होगा अरविंद की मौत का। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्यन सारे सबूत अपने पास रख लेता है और साफ कह देता है अगर तुम्हें आदित्य को बचाना है तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और वो अपर्णा की हालत को देखते हुए और आदित्य को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते नजर आएगी। अपर्णा इमली से सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की भीख मांगती नजर आएगी कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को वापस ले आऊँ। जैसे तैसे वो मालिनी के जाल से छूटा है, लेकिन 10 साल तक अगर वो अपने काम और पेशन से दूर रहा तो मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगा। अपर्णा और त्रिपाठी परिवार की खातिर आदित्य जो कि बेगुनाह ही है, लेकिन आर्यन उसे अभी भी जिम्मेदार मानता है। इमली को ये अच्छे से पता है। तो देखने को मिलेगा कि इमली आदित्य को ऐसे तो सजा नहीं होने देगी जो कि पहले से ही बेगुनाह है, और आर्यन की सन के दिमाग की वजह से यानी कि जो उसने ठान लिया है वो उसे करके ही रहेगा। ये इमली अच्छे से जानती है, इसीलिए वो इस शर्त को मानने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अपनी शर्त भी मनवाएगी कि वो उसे कभी भी अपने पति का दर्जा कभी नहीं देगी और आर्यन की होश उड़ा देगी। तो वहीं अभी इमली के सामने ये राज नहीं आता है कि वो आर्यन उससे प्यार करता है। अब देखते हैं कि आर्यन का प्यार इमली के सामने कैसे आता है।